iOS 13 आया था कुछ टाइम पहले। जो आया था बहुत सारे बग्स के साथ, बहुत सारी परफॉर्मेंस के इश्यूज थे वहाँ पे, चाहे वहाँ पे ले लो आप बैटरी का, चाहे आप ले लो मेल, चाहे ले लो वहाँ पे इमेजेस का, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कतें थी। लेकिन उसको अब सॉल्व कर दिया है एप्पल ने iOS 13.3 के साथ। 13.3 ग्लोबली रिलीज कर दिया गया है आपके आईफोन के लिए, आपके आईपैड के लिए। लेकिन बात करें 13.3 की, तो यहाँ पे कुछ चीजें ही इंडिया में आ पाई हैं। मतलब ये एप्पल के साथ हमेशा से इशू रहा है कि यार मुझे लगता है इंडियन मार्केट पे ज्यादा फोकस नहीं है वो, क्योंकि बची खुची चीजें जो होती है, मतलब कुछ भी वो पहले रिलीज करते हैं तो पहले वो वहां पे टेस्ट करते हैं, वहां पे उसको यूज करते हैं, फिर अगर उनको लगता है कि यार इंडियन मार्केट में इसको देना चाहिए तब वो भैया देते हैं, नहीं तो फिर। फिलहाल यहाँ पे iOS 13.3 आ चुका है और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उसी के बारे में। आपको अगर ये अपडेट करना है तो क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलेंगे आपके आईफोन में, और उसके अलावा क्या क्या परफॉर्मेंस फिक्सेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना, लेकिन हाँ जितनी है देख लेते हैं। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। हाँ 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 देखो अब। अगर हम बात करें iOS 13 में, तो हमें बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि बग फिक्सेस आ जाते हैं, बहुत सारे यहाँ पे एडिशनल पैरेंटल कंट्रोल्स है, स्क्रीन टाइम वगैरह के फीचर्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे फोकसली अगर हम मेन फीचर्स की बात करें, तो वहाँ पे बहुत अच्छे फीचर्स निकल के आए जिनकी काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। सबसे पहले अगर हम बात करें कीबोर्ड में जाके, जब भी आप इमोजी सेक्शन में जाते थे तो यहाँ पे एनिमोजीज आपको देखने को मिलते थे, ये मतलब खामोखा इतनी जगह घेर ले। यहाँ पे नए फीचर में एप्पल ने ये सपोर्ट दिया है कि आप इसको इजिली जाके यहाँ पे हटा सकते हो। तो आपको अपने कीबोर्ड में जाना है और कीबोर्ड में जाके उसकी सेटिंग्स के अंदर आप सबसे नीचे देखोगे तो इमोजी पे यहाँ पे इमोजी स्टिकर्स जो है उसको आप टर्न ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने इमोजीज पे क्लिक करते हो तो अब वो एनोइंग से जो एनिमोजीज थे वो यहाँ पर नहीं, सीधे आपको आपके इमोजीज देखने को मिलेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर हम देखें यहाँ पे, तो वो आपको आपकी गैलरी में जाके मिलता है। तो इनकेस जब आप गैलरी में जाते हो तो वहां पे जो वीडियो का सेक्शन है आपका, वहां पे आपको ये फीचर देखने को मिलता है कि पहले जब आप वीडियो एडिट करते थे तो पहले यहाँ पे आप जब वीडियो एडिट करते थे तो वहां पे उसको आप सेम वीडियो को ही आपको सेव करना पड़ता था, मतलब जो ओरिजिनल वीडियो है उसी को काट पीट करके आप सेव कर सकते थे। यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल जो कंटेंट था वो आपका गायब हो जाता था। लेकिन अब अगर हम मान लो इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे क्रॉप वगैरह किया, फिल्टर वगैरह डाला हमने यहाँ पे, जो भी किया वो करने के बाद जब आप इसको सेव करने पर जाते हो तो यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, सेव वीडियो, सेव वीडियो एज न्यू क्लिप। तो ये जो फीचर था ये पहले हुआ करता था, लेकिन iOS 13 के बाद ये फीचर गायब हो गया था। दोबारा से iOS 13.3 के बाद ये फीचर वापस आ चुका है। तो यहाँ पे आप सेव वीडियोस न्यू क्लिप कर सकते हो, इसमें आपका जो ओरिजिनल कंटेंट है वो भी रहेगा और आपका न्यू क्लिक भी सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे एक वीडियो की देखो, यहाँ पे हमने दो दो वीडियो क्रिएट कर दी, ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके बाद यहाँ पे मेल के अंदर काफी बग्स थे iOS 13 में, जहाँ पे आपको मेल की डाउनलोडिंग वगैरह में, अटैचमेंट वगैरह में काफी प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। जब आप मेल सेंड करते थे तो आपके सेंट बॉक्स में भी मेल डबल डबल दिखते थे, लेकिन यहाँ पे इस iOS 13.3 के साथ ये बग भी फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद एप्पल न्यूज में यहाँ पे काफी इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन एप्पल न्यूज यहाँ पे इंडिया में सपोर्ट नहीं करता है अभी, तो अनफॉर्चुनेटली वो हम यहाँ पे नहीं देख पाएंगे। अगर आप फीचर करें तो स्टॉक्स के अंदर आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो स्टॉक्स के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे जो स्टॉक्स हैं और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में आ गए, और यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड और स्टॉक से रिलेटेड जो भी न्यूज है वो यहाँ पे आप नीचे फॉलो कर सकते हो। अगले फीचर की बात करें तो सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर यहाँ पे जो आपको पहले स्क्रीन टाइम का ऑप्शन मिलता था, वहाँ पे एक और एड ऑन आ गया है आपके पास, कम्युनिकेशन लिमिट। तो यहाँ पर सेट लिमिट बेस्ड ऑन योर कॉन्टैक्ट्स, तो यहाँ पे ये एडिशनल आ गया है यहाँ पे कि आप अपने डाउन टाइम के अंदर और ज्यादा कंट्रोल कर सकते हो कि भाई किस टाइम में किस कॉन्टैक्ट से आपको बात करनी है, क्या करनी है एंड ऑल, जो भी चाहिए, मतलब ये सारी चीजें आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये एक नया फीचर है इसके अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें iOS 13.3 के अंदर और क्या एडिशनल फीचर्स आते हैं, तो यहाँ पे बग्स फिक्सेस मिलते हैं जो पहले आपको काफी प्रॉब्लम दे रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी, उसके साथ ही जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी बेहतर देखने को मिल सकती है। iOS 13.3 लगभग 600 MB का है, तो आपको अगर ये चीज़ें वर्थ इट लगती है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस। मेरे ख्याल से आपको अपग्रेड करना चाहिए, फीचर्स इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे जो आपकी फोन की परफॉर्मेंस है काफी हद तक उसको ट्विक किया गया है, काफी हद तक उसको सुधार दिया गया है। तो इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं खत्म, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर देना, और आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।